Hi friends, in this video we will cover the functions of the kidney. So friends, pause this video completely so that you can get a better understanding of kidney functions. So let's start. Friends, first of all, kidney का जो main function होता है urine को form करना, यानी कि urine को बनाना. And friends, जो urine होती है वो 3 process में बनता है. First, filtration, reabsorption and secretion. यूरिन 3 प्रोसेस में बनता है, फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रेशन. एंड फ्रेंड्स, फर्स्ट ये देख लेते हैं व्हाट इज़ अ यूरिन. यूरिन जो होती है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी का, जो कि एक्सेसिव वाटर, यानी कि जितना भी एक्सेस वाटर होता है उनसे, या मोटे वाले वेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे यूरिन फॉर्म होती है. एंड 3 प्रोसेस में फॉर्म होती है, फर्स्ट फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रेशन. फिल्ट्रेशन मेथड में फ्रेंड्स क्या होता है, फिल्ट्रेशन मेथड में सबसे पहले जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस की जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, इसके थ्रू ये प्रोसेस स्टार्ट होता है. एंड फिल्ट्रेशन मेथड में इन्वॉल्व होते हैं जितने भी सेल्युबल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि वाटर, पेस्ट, जो कि जितने भी सॉल्युबल कंपोनेंट होते हैं सच एज वाटर एंड पेस्ट, ब्लड को ग्लोमेरुलस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, फिल्ट्रेशन यानी कि यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट जो फेज है फिल्ट्रेशन, इसका प्रोसेस जान लेते हैं. प्रोसेस में फ्रेंड्स, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन यानी कि फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ब्लड इंटर करता है एफरेंट आर्टियोल के थ्रू ग्लोमेरुलस में ब्लड इंटर करता है एफरेंट आर्टियोल के थ्रू. एंड उसके बाद जितने भी फिल्ट्रेबल ब्लड कंपोनेंट होते हैं जैसे कि वाटर, नाइट्रोजन, वेस्ट, ये मूव हो जाते हैं ग्लोमेरुलस में. एंड देन जो नॉन फिल्ट्रेबल कंपोनेंट होते हैं सच एज सेल्स, सीरम, एल्ब्यूमिन, वो एक्सिट हो जाते हैं एफरेंट आर्टियोल के थ्रू. मींस जो हमारा ब्लड है वो इंटर करता है एफरेंट आर्टियोल के थ्रू ग्लोमेरुलस में, एंड ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होता है. एंड जितने भी फिल्ट्रेबल कंपोनेंट होते हैं जैसे कि वाटर, नाइट्रोजन, वेस्ट, वो मूव हो जाते हैं ग्लोमेरुलस से. एंड नॉन फिल्ट्रेबल कंपोनेंट एफरेंट आर्टियोल के थ्रू बाहर आ जाते हैं. और जितने भी फिल्ट्रेबल कंपोनेंट्स होते हैं वो एक्युमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं ग्लोमेरुलस में इकट्ठे हो जाते हैं किसके फॉर्म में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के फॉर्म में ग्लोमेरुलस में एक्युमुलेट हो जाते हैं. फ्रेंड्स, जो नॉर्मली 20% जो टोटल ब्लड होता है वो जो 20% टोटल ब्लड होता है वो ब्लड हार्ट के द्वारा 1 मिनट में किडनी में इंटर होगा. इस फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कहते हैं. एंड नेक्स्ट 80% ब्लड होता है, जो हमारा 80% ब्लड होता है वो रेस्ट ऑफ द बॉडी में फ्लो हो जाता है एंड परफ्यूजन एंड गैस एक्सचेंज में फ्लो हो जाता है. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, GFR. सो GFR इट स्टिमुलेट हाउ मच ब्लड पास थ्रू द ग्लोमेरुलाई ईस्टमेंट, मीन्स ये स्टिमुलेट करता है कि कितना ब्लड जो है ग्लोमेरुलाई के थ्रू ईच मिनट में पास हुआ है. फ्रेंड्स, जो ग्लोमेरुलाई ये होते हैं टिनी फिल्टर्स होते हैं जो किडनी में होते हैं, टिनी फिल्टर्स जो कि फिल्टर करते हैं ब्लड में जितना भी पेस्ट होता है उसको फिल्टर करते हैं. और जो हेल्दी पर्सन होता है, जो हेल्दी अडल्ट पर्सन है, उसका GFR जो होता है वो 120 ml/min होता है. फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन का जो सेकेंड स्टेप है सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, इसके बारे में देखते हैं. द मोमेंट ऑफ वेस्ट एंड सल्यूट ब्रेक इन टू द ब्लड, जो देन जो वेस्ट होता है जो कि बॉडी के में जो जितना भी वेस्ट सबस्टेंसेस होते हैं वो ब्लड में बैक हो जाते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू, जिसे क्या कहते हैं, जिसे ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं. सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें कंपोजिशन बैलून फिल्ट्रेट का
वो अल्टर्ड होते हैं जब रीनल ट्यूब्यूल में ये पास हो रहे होते हैं। एंड रीअब्जॉर्प्शन का फ्रेंड्स, जो ये रीअब्जॉर्प्शन है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इनका पर्पस क्या होता है? फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन रखना सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यानी कि यूरिन फॉर्मेशन के सेकेंड स्टेप का पर्पस होता है। सबस्टेंस जितने भी यूज़फुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सोडियम क्लोराइड आयंस, ये रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ट्यूबुलर सेल के द्वारा। और कुछ सबस्टेंसेस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं कम्प्लीटली, बट कुछ जो सबस्टेंसेस होते हैं वो पार्शली रीअब्जॉर्ब हो पाते हैं। देन जो प्रोमिनल कन्वर्टेड ट्यूबल, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल होती है, उसमें जितने भी सबस्टेंस जो अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं वो दोबारा से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड अनवांटेड इलेक्ट्रोलाइट, वो पास हो जाते हैं कलेक्टिव ट्यूबल में एंड कलेक्टिव डक्ट्स में डक्ट सिक्रीशन विल अकर बिफोर द फ्लूड लीव यूरेटर्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। देन कलेक्टिव डक्ट में सिक्रीशन अकर हो जाता है जब फ्लूड लीव होता है उससे पहले यूरेटर्स में। सो कलेक्टिव डक्ट होता है, यहाँ पे सिक्रीशन जो है अकर हो जाता है। थर्ड स्टेप जो हमारे फ्रेंड्स यूरिन फॉर्मेशन की है सिक्रीशन, ये थर्ड प्रोसेस होता है यूरिन फॉर्मेशन का। यूरिन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड ड्यूरिंग सिक्रीशन, सिक्रीशन के दौरान जितने भी सबस्टेंसेस होते हैं, सम सबस्टेंसेस जैसे हाइड्रोजन आयंस, क्रिएटिनिन एंड ड्रग्स विल बी रिमूव फ्रॉम द ब्लड ड्यूरिंग सिक्रीशन। सिक्रीशन के दौरान जितने भी सबस्टेंसेस होते हैं, कुछ सबस्टेंसेस जैसे कि हाइड्रोजन आयंस, क्रिएटिनिन, ड्रग्स, वो रिमूव हो जाते हैं ब्लड से। और फ्रेंड्स, जो सिक्रीशन प्रोसेस होता है ये एंडिंग होता है यानी कि यूरिन फॉर्मेशन का लास्ट प्रोसेस होता है। इसमें जो दैट हैज़ नॉट बीन रीअब्जॉर्ब ड्यूरिंग, और फिर इसमें फिर रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट नहीं होता है यानी कि रीअब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो भी फिल्ट्रेट हो चुके हैं कंपोनेंट वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब ड्यूरिंग नहीं होते हैं फिल्ट्रेट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपकी वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।